तो आज हम सीखेंगे बात करेंगे कि अनमैनेजेबिलिटी को मैनेजेबिलिटी में कैसे हम शिफ्ट करेंगे चार चीजें होती हैं पहला ट्रिगर होता है क्रेविंग्स होती हैं अर्जेंसी होती है और फिर हमें रिग्रेट आता है जब भी हमारा रिलैप्स होता है आज हम ना एक्चुअली बात कर रहे हैं रिलैप्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं होता क्या है कि पहले ट्रिगर्स आते हैं कोई कारण बनते हैं फिर हमें तोड़ लगती है यानी कि हमें सोच आती है फिर हमारे लिए उस पे अमल करना बहुत जरूरी हो जाता है और उसके बाद जब हम वो एक्शन कर देते हैं या नशा कर लेते हैं फिर हमें रिग्रेट आता है फिर हमें पछतावा होता है ये क्या बन गया ये क्या हो गया मेरे साथ ठीक है इसलिए आज हम ये समझेंगे कि बेसिकली तो हमें मैनेज करने के लिए इन तीन चीजों पे काम करना है ट्रिगर्स पे क्रेविंग्स पे अर्जेंसी पे कल हमने ट्रिगर्स के बारे में बात करी थी एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं हमारे जो कारण होते हैं नशा करने के एक्सटर्नल भी होते हैं इंटरनल भी होते हैं एक्सटर्नल जैसे कि हमारी कुछ सिचुएशंस होती हैं कुछ लोग होते हैं जगहें होती हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपको पता है ऑब्जेक्ट्स में हमने मेंशन किया है यहाँ पे फोन और वीडियो हम बहुत बार आपको मना करते हैं जब यहाँ से जाते हैं कि आपने फोन नहीं यूज करना इसका क्या कारण होता है हमारी एसोसिएशंस बन जाती हैं कल हमने बात की थी यादें यादें यानी कि मेमोरीज हमारी मेमोरीज कई बार इतनी स्ट्रांग होती हैं हमारी एसोसिएशंस इतनी होती है फोन पकड़ के ही हमारा हाथ अपने आप अप चला जाता है उस नंबर पे उस फ्रेंड को फोन फ्रेंड को जहाँ से हम अवेलेबल कराते थे अपनी ड्रग्स वगैरह इसलिए ये सारे हमारे ट्रिगर्स हो सकते हैं कारण बन सकते हैं नशा फिर से लेने के जो इंटरनल है इंटरनल में हमने दो तरह से कैटेगराइज किया है इसको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नेगेटिव कौन से हैं जैसे कि हम उदास है हमें किसी ने रिजेक्ट कर दिया हमारी डिसअप्रूवल है बोर्डम है फेयर्स है इरिटेशन एंगर जेलिसी एंजाइटी, ये सारे के सारे जो हैं हमारे नेगेटिव सिम्टम्स हैं और पॉजिटिव सिम्टम्स क्या हैं ओवर कॉन्फिडेंस अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ पे भी जा सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप मेरे पे विश्वास तो करो क्यों सर होता है ना फैमिली के हम कहते हैं ना थोड़ी देर बाद अब तो मैं बिल्कुल ठीक कर चल रहा हूँ मेरे पे विश्वास तो करो तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारा एक ट्रिगर है कल सर ने डिस्कस किया था जब हम शाम को बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि मैं शादी पे गया दो दिन शादी थी एक मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया एक दिन मैंने बढ़िया बिता लिया अगले दिन मैं फ्रेंड्स के साथ मिल गया और मेरा स्लिप हो गया तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है फीलिंग ऑफ हाई ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस एंड प्रमोशंस जो लोग फॉलोअप पे आते हैं हम अक्सर कहते हैं जो हमारे सेलिब्रेशन के मोमेंट्स होते हैं जो हमारे त्योहार होते हैं दिवाली हो गई विसाखी हो गई होली हो गई इन पे हम हमेशा फैमिली को ये कहते हैं कि फॉलो पे भेजना है क्यों आप बताएंगे सर आप फॉलो हम ये क्यों बोलते हैं ट्रीटिंग टीम ये क्यों बोलती है, है घर पे नहीं रहना ना, जी हम्म हमारे हमारी ये, अच्छा वेरी गुड ये कह रहे हैं कि इन त्योहारों पे छुप के आ जाती है बाहर एडिक्शन वो हमारी फिर से एसोसिएशन बनती हैं क्योंकि हमने सेलिब्रेट किया होता है फ्रेंड्स के साथ और हमारा मन करता है कि हम जाके फिर से नशा कर लें तो ये सारे हमारे जो है ना, है ना ट्रिगर्स कारण इन कारणों को अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया पहचान लिया तो हमारी लाइफ मैनेजेबल हो जाएगी इजी हो जाएगी अब ये पहचानेगा कौन कैसे पहचानेंगे आप बताइए ट्रिगर्स को कैसे पहचानते हैं हम कोई ट्रिगर आता है कोई कारण बनता है कैसे पहचानेंगे मेरा मूड खराब है मुझे जेलिसी हो रही है मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे इरिटेशन हो रही है वो मुझे हो रही है पहले वो मेरे को पता लग रहा है पहले उसके बारे में हमने बात करनी है उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्यों हो रहा है आज ऐसे ऐसी वाली फीलिंग्स क्यों आ रही है मुझे अच्छा हमने आइडेंटिफाई कर लिया अगला हमारा टॉपिक है ये तो हमने कल ट्रिगर्स पे बात कर ली थी क्रेविंग्स बड़े दिनों से हम डिस्कस करना चाह रहे थे क्रेविंग होती क्या है इट्स इट्स थॉट ऑफ़ डूइंग समथिंग थॉट्स ऑफ़ डूइंग समथिंग हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अच्छा एक ना जो हमारी थॉट होती है वो हमारी ऑब्सेशन होती है और जो हम थॉट पे अमल कर देते हैं वो हमारी कंपल्शन बन जाती है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे वो हमारी अर्जेंसी बन जाती है एक्सेप्ट योर डिजीज इट इज फॉर एवर इसका क्या मतलब है एक्सेप्ट योर डिजीज इट इज फॉर एवर सर आप बताएंगे योर डिजीज इज फॉर एवर इसका क्या मतलब है is, is or, uh, हाँ फॉर so, एवर का मतलब है हमेशा के लिए ये वाली बीमारी अब हमें हमेशा के लिए लग गई है हमने मैनेज करना है इस चीज को एक्सेप्ट करना और ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है बहुत बारी एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है हम कहते हैं कि मैं तो कभी कभी लेता हूँ बीमारी ले है, है, है जो हमें लग गई है अब डरना नहीं है उससे डरना नहीं है ये जो डर आ जाता है ना चेहरे पे ये नेगेटिविटी आ जाती है नेगेटिव फीलिंग आ जाती है अगर आपको पता है आपको बीमारी लग गई है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं हम डर के मारे मैनेज भी नहीं करते फिर फिर हम कहते हैं बीमारी आ गई है हुन, हुन कुछ नहीं बनना हम नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं लूप में फंस जाते हैं सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि ये मुझे हमेशा के लिए बीमारी लगी और मुझे मैनेज करना है क्रेविंग इज प्रिडिक्टेबल ये मैंने एक बार पहले भी कहा था प्रिडिक्ट करना क्या होता है पहले से ही पता लगा लेना कैसे पता लगेगा कि ये प्रिडिक्टेबल है कौन बताएगा आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको क्रेविंग्स हो रही हैं? Thoughts आने शुरू हो जाते हैं और बॉडी शिवर करती, करती है और बिहेवियर में, में दिखता है कैसे गुस्सा बेचैनी वेरी गुड रेस्टलेसनेस हम्म बिल्कुल क्रेविंग आती है किसी को देख के भी क्रेविंग आती है इसके बारे में हमने बात की थी नशा कर लेना है मैंनेशा कर लो ये मेरी डिजीज का पार्ट है ये मेरा थॉट नहीं है अच्छा आप मुझे बताओ कितने ऐसे लोग है जो कहते हैं कि मैं नशा करना ही चाहता हूं अब जब हम रिकवरी में है कितने थॉट चाहते हैं कि मैं नशा करना ही चाहता हूं करना ही करना है मैंने हाँ हमारी जो मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स हैं उसके लिए आता है हमें लेकिन ये हम याद रखें अगर हम अपने आप से बात करें और ये याद रखें ना ये मैं नहीं हूं ये मेरी बीमारी मुझे ऐसे थॉट्स दे रही है मैं एक्चुअली बार-बार गिरना नहीं चाहता मैं बार-बार रिलेप्स -बार होना नहीं चाहता मैं भी चाहता हूं मैं अच्छी जिंदगी जीऊं मेरी लाइफ मैनेजेबल होए ये मेरी बीमारी मुझे बार बार पॉपअप करती है ये थॉट देती है मुझे इस चीज को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा साइंस देखो कितने सुंदर साइंस लिखे हैं इसमें साइंस क्या है क्रेविंग के बोर्डम एंगर एजिटेशन सैडनेस एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी अगर ये आपको साइंस आ रहे हैं आपका दिल नहीं लग रहा आपको बेचैनी हो रही है आपको गुस्सा आ रहा है आपको लग रहा है कि अब मैं छोटी छोटी बात पे इरिटेबल हो रहा हूँ मेरा मूड लो हो रहा है ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं हमारे क्रेविंग के क्रेविंग को ठीक कैसे करेंगे मैम नेक्स्ट करेंगे अच्छा क्रेविंग कितनी देर के लिए आती है कौन बताएगा थोड़ा आइडिया वैसी जनरल आइडिया हाँ जी दस पंद्रह मिनट के लिए और हाँ जी पांच मिनट के लिए जब पेट खाली, हो। खाली होता है तभी तो होता है ठीक है कोई कोई चलो ये तो आपने मुझे सलूशन ही बता दिया ना बहुत अच्छी बात है वेरी गुड आपका एक्सपीरियंस सीख के आता है अच्छा ये देखो मैंने ये यहाँ पे क्या बना हुआ है स्क्रीन पे कौन बताएगा आइडिया थोड़ा सा वेग सा आइडिया काइंड ऑफ काइंड ऑफ ये मैंने पहाड़ की चोटी बनी है पहाड़ बना है ठीक है जब हम किसी पहाड़ पे चढ़ते चल, हैं तो हमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं जब हमने नीचे आना होता है तो फिर हमें इतने एफर्ट्स नहीं लगते वो नीचे हम आराम से आ जाते हैं ऐसी हमारी क्रेविंग होती है हमारी क्रेविंग मिनिमम थ्री मिनट्स रहती है मैक्सिमम ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स रहती है अगर हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर ले कि हमारी क्रेविंग तीन से ज्यादा से ज्यादा बीस मिनट तक रहनी है उस टाइम पे मैंने क्या कर लेना है अभी सर ने कहा कि अगर हम खाना खा लेंगे पेट भर लेंगे तो नहीं होगी सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी मैनेजमेंट के लिए शेयरिंग अब बताएं कि मेरे को सोच आ रही है या मुझे कुछ फील हो रहा है शेयरिंग करनी सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग कह देते हैं कि फैमिली नहीं सुनती है या फैमिली है ही नहीं पास में आपके थेरेपिस्ट हैं आपके पास सबका नंबर है आप कॉल कर सकते हैं शेयर करें हेल्प मांगे हमें मदद मांगनी नहीं आती हमें देर लग जाती है मदद मांगने में इस अगर हम नोट डाउन कर ले तो इजी हो जाएगा थोड़ा नोट डाउन भी कर ले साथ, -साथ में हेल्प मांगनी है शेयरिंग करनी है यहा पे हमने फोर पॉइंट फार्मूला लेना है और दूसरा डाटा इंटरवेंशन जो हम आपकी आईडीज कराते हैं बार बार कि आपकी लाइफ में क्या इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे अगर आपको क्रेविंग्स आ रही हैं और आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है तो हम अपने वो इंसिडेंट्स याद करेंगे अपना डाटा इंटरवेंशन जो आप सब ने नोट डाउन किया हुआ है एक पेज पे उसको निकाल के पढ़ेंगे और अपने आप को बताएंगे कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास क्या क्या करेंगे डिस्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं बताइए जी आपने कहा था मुझे एक्सपीरियंस है कि अगर पेट भर लेते हैं तो ठीक हो जाता है फिर किसी ने अपनी क्रेविंग को रिसेंटली मैनेज किया हुआ कैसे मैनेज किया था बताइए जी पानी पी लिया कुछ खा लिया जी सर कुछ एक्सरसाइज कर ली थोड़ी वर्कआउट कर लिया अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है कोई एक्टिविटी करनी है अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो फिर हो सकता है चांसेस हैं अगर हम अकेले हैं तो हम ट्रैप्ड हो जाएं जहाँ पे हैं वेरी गुड हम घर पे कुछ एक्सरसाइज कर ले नहा भी सकते हैं ये कह रहे हैं रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं और और क्या कर सकते हैं क्रेविंग को मैनेज करने के लिए सर आपने अपनी क्रेविंग को मैनेज किया होगा बताइए प्लीज हम्म 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 अच्छा हो जाती है मैनेज की नहीं होती ये बताओ हो जाती है कितनी देर में मैनेज हो जाती है टेन टू फिफ्टीन मिनट्स लगते हैं लेकिन अगर अच्छा उसमें अब ईमानदारी तो अपनी होनी चाहिए ना अब मैं मैनेज ही नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूं? फिर, फिर तो फॉल है पक्का बिल्कुल लेकिन अगर आपने शेयरिंग कर ली है और मैनेज कर लिया है डिस्ट्रैक्ट करके देन थिंग्स कैन बी वेरी 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 इजी इसके बाद हमने बात करनी है अर्जेंसी की कल हमने अर्जेंसी की बात की थी अर्जेंसी क्या होता है बेचैनी हमारी किस चीज की बेचैनी होती है आई हैव टू डू इट मैंने करना ही करना है और ना ये जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सटेंस अब्यूज या अल्कोहल की नहीं है ये हर तरह की एडिक्शन की है किसी का गैम्बलिंग में एडिक्शन है या किसी को शॉपिंग करनी है कईयों को फूड एडिक्शन होती है कई लोग वर्कोलिक्स भी होते हैं कि तो जो, जो दिमाग में सोच आ गई वो मैंने करनी करनी है। अभी करनी है तुरंत करनी है क्यों अगर मैंने ना की तो क्या होएगा आपको पता है क्रेविंग्स क्रेविंग्स क्रेविंग क्या होती है वैसे

क्यों क्योंकि हमें शारीरिक और मानसिक डिस्कम्फर्ट हो रहा है इसलिए हमारे लिए अर्जेंट हो गया वो काम करना तो थॉट जो था वो था कि मैंने ये काम करना है मैंने फलानी चीज करनी करनी है अभी करनी है उसको मैं पोस्टपोन नहीं कर पाया और अर्जेंसी क्या बन गई है मैंने करने चले जाना है क्योंकि मेरे को तो कुछ हो रहा है मेरे को तो बेचैनी हो रही है अभी ना मुझे कल किसी की कॉल आई है एंड दिस पेशेंट इज सोबर सिंस सिक्स मंथ्स और उनकी टांगों में दर्द हो रही थी तो उनका फर्स्ट जो था कॉल पे मैम बड़ी तोड़ लग रही है अब आप मुझे बताओ छह महीने से हम बिल्कुल ठीक हैं और आज टांगों में दर्द हो गई है तो वो तोड़ है क्या कोई और कारण भी हो सकता है वायरल फीवर भी हो सकता है वो डायबिटिक भी है उनकी शुगर लेवल भी बढ़िया कम सकती है जिसके कारण टांगों में डिस्कम्फर्ट हो रहा है पर हमारा ब्रेन जो यादें रखता है जो एसोसिएशंस बनाता है क्योंकि शायद जब उनको तोड़ लगती थी बेचैनी होती थी फिजिकल डिस्कम्फर्ट में उनकी टांगे दर्द होती थी तो आज छह महीने बाद भी उनको ये लग रहा है कि आज टांगे तो इसीलिए क्योंकि मुझे तोड़ लग रही है तो पहले तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई करें जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली कुछ हो रहा है तो वो तोड़ क्यों निशानी है कोई और कारण भी हो सकता है दुण दुण दुण। शुगर के कारण हो सकता है फीवर के कारण हो सकता है कोई और कारण भी बन सकते हैं तो हमने पहले उसको आइडेंटिफाई करना है अब अर्जेंसी में आपको बता दिया कि मेरे लिए कम्पल्सरी हो गया मैंने ये करना ही करना है नहीं करूंगा तो मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई है मुझे इतनी फिजिकली और हो रहा है आपको नहीं पता मुझे एक बार करने दो अब उसको रोकने के लिए देर आर फोर टिप्स फोर फोर वेज टू डी विद इट है सबसे पहले है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कौन बताएगा हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं बताएगा कोई फोर्थ स्टेप फॉर्मूला तो हमने क्रेविंग को मैनेज करने के लिए किया ना यहाँ पे हम अर्जेंसी जो आ रही है ठीक है बहुत अर्जेंट हो गया है बहुत बेचैनी हो रही है उस टाइम पे चार चीजें बताई गई हैं अवॉइडेंस डिस्ट्रैक्शन एस्केप रूट एंड्योर अवॉइड कैसे कर सकते हैं अगर कोई एनवायरमेंट आपको बेचैनी दे रहा है तो हम वहां जाने का प्लान कैंसिल कर दे वहां ना जाए पता है कई लोगों को ना फ्लाइट फोबिया होता है बाय एयर जाने का फोबिया होता है उनकी टिकट बुक होती है वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उनको इतनी बेचैनी हो रही होती है ना उनको लगता है कि वहाँ जाएंगे तो हम कैंसिल करें तो ज्यादा अच्छा है वैसे वो नहीं करना चाहिए उसके लिए ट्रीटमेंट सीख करना चाहिए थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए अगर आपको फोबियाज हैं फ्लाइट फोबियाज हैं पर यहाँ पे हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर आपका प्लान है किसी शादी पे जाने का कहीं ट्रेवल करने का किसी फ्रेंड से मिलने का और आपको पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा अभी थोड़े दिन पहले ना कोई मुझे कह रहा था वो शादी पे गए थे वो वैष्णो शादी थी वो वैष्णो शादी क्या होती है भाई जहाँ ड्रिंक नहीं होती जहाँ एल्कोल नहीं होते पर तो बंदे थोड़ी ना वैष्णो है बताओ आप दसो, तो तो दसो, दसो, दसो हाँ दसो व्याह वैष्णो कहता पर बंदे थोड़ी ना वैष्णो है बंदे तो लैंड है बंदे तो आई हैव सीन वो कार पार्किंग जहाँ पे होती है वहां पे उन्होंने अपने जुगाड़ किए होते हैं अगर शादी में नहीं सर्व हो रही वहां पे भी पी रहे होते हैं होता है ना ऐसे तो फिर हमें क्या करना है हमने अवॉइड करना है ऐसी सिचुएशन पे जाने के लिए हमने वहां नहीं जाना क्योंकि अंदर से हमें पता है हमें वहां जाके कैसे बंदे टकरेंगे हमें वैष्णो टकरेंगे, दूसरे टकरेंगे? Right? अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाना अच्छा माइंडफुल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं आपको हम कराते हैं रोज माइंडफुल ब्रीदिंग और जेपीएमआर uh, एग्जैक्टली exactly. uh, और हाँ जी मेडिटेशन कर सकते हैं थोड़ी सी और नहीं, नहीं, नहीं। हाँ जी वो बताया उन्होंने हाँ जी हाँ फुटेड अगर हम चले वो भी एक माइंडफुलनेस होती है ठीक है और अपना आसपास की चीजों पे फोकस करना ये हमने बड़ी बारी की है फाइव थिंग्स यू सी फोर थिंग्स यू हियर थ्री थिंग्स यू स्मेल किया हुआ है ना हमने ये वो ये ये अगर हम फाइव फोर थ्री टू वन भी करेंगे दिस इज ऑल्सो माइंडफुल प्रैक्टिस और हम आस पास की ये बहुत बार बताया है जहां हम बैठे हुए हैं हम आस पास की दस बीस पचास चीजों के नाम ले ले उससे भी हम इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को अपना ध्यान बंटाना है हमें देन इज एस्केप स्केप रूट ये ये मेरा सबसे फेवरेट है पता है क्यों क्योंकि आ, आप भी यही बोलते हो क्या लिखा हुआ है पंजाबी में क्या लिखा हुआ है नहीं नीचे नीचे ये क्या मतलब हुआ इसका क्यों मतलब है हाँ जी वो हाँ एग्जाम्पल स्वीट की भी लिखी है वो मैंने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए लिखी है पर ये क्या फंडा हुआ चप्पल चुकते भजो ये क्या फंडा हुआ थी 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 थी। हाँ एकदम से फटाफट चप्पल उठाओ और भाग जाओ वहां से एस्केप रूट नारे नारे का नारे मतलब नारे है नारे अच्छा आपने देखा है कभी अच्छा आपने देखा होगा अगर थिएटर्स में जाते हैं तो इमरजेंसी एग्जिट होता है वहां पे ठीक है क्यों होता है वो एग्जैक्टली केस ऑफ फायर तो एक एमरजेंसी तो कोई, कोई और गया आपके पास तो इमीडिएटली आपने वहां से भागना है निकलना है वहां से वहां रुकना नहीं है होता क्या है हमारे पास कई बार आके बात करते हैं है, मैम अब तो ठीक चल रहे है कोई बात नहीं छह महीने हो गए साल हो गए

हाँ फॉर एग्जाम्पल नहीं फॉर एग्जाम्पल इज इज एग्जाम्पल एग्जाम्पल स्वीट की ये दी है अगर कोई डायबिटिक है उसके सामने हम मिठाई का डब्बा रख देंगे तो क्या होगा क्या होगा हाँ जी <laughs> सर कहने जल्दी ऊपर चल जल जाएगा मतलब वो मिठाई खा ही लेगा सर ठीक है ना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको वो मिठाई बांटनी पड़ेगी लोगों में खुद ना खाए दूसरों को दे दे जो नॉन डायबिटिक है तो ऐसे ही होता है

आंखों में आंखें डालना ठीक है कभी लड़ाई हुई है किसी की लड़ाइयों में हम इन्वॉल्व हुए तो हम क्या करते हैं आजरा आजरा देखते हैं ऐसे बाजू ऊपर करके हम देखते हैं आजरा की कहना है तुम मेनू है ना तो ये जो आजरा की कहना है मेनू ना ये हमने अपनी क्रेविंग्स के साथ करना है अपनी क्रेविंग्स के साथ बातें करनी है अच्छा तुम आए हो मेनू तंग करना आयो कि गलो आयो ये कुछ सवाल है अगर इसको सेल्फ टॉक कहते हैं एंडियोर करना मीन्स सेल्फ टॉक करनी सामना करना अपने उन थॉट्स का हमारा होता उल्टा है हमें थॉट्स इतनी बेचैनी देते हैं इतनी बेचैनी देते हैं कि हम कहते हैं हाय रब्बा बस होगी बस हूं नहीं कुछ हो सकता हूं तो मैं गया हूं तो मेरे को कुछ किता ही जाना है हूं तो पंगा ही पै जाना है नहीं एंड्योर इज कि आपने फेस करना है अपनी क्रेविंग से पूछना है आयो भाई आई करना अच्छा, पीछे कारण की है मैं हमेशा कहती हूँ ना थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग हो रहा है जो अभी मुझे आ रहे हैं पीछे की कहानी क्या है इसके पीछे की कहानी हमेशा कुछ और होती है कहीं हमारी रिजर्वेशन है हम खुद लेना चाहते हैं कहीं हमारे कोई और थॉट्स चल रहे हैं जो हमें बेचैन कर रहे हैं मेरी किसी ने इंसल्ट कर दी थी या मेरे मुझे मुझे so, तो करन तो मैनेज करना है मैं इस चीज तो बच के रहना है अच्छा ये ना बड़ी ब्यूटीफुल टेक्निक है लेकिन ये प्रैक्टिस से आती है जैसे फोर पॉइंट फॉर्मूला है ना वैसे जब हम अपनी क्रेविंग से बात करते है अगर आपको करनी आ गई ना और उसमें बातें करते करते अगर आप अपनी क्रेविंग जो आ रही है अपने थॉट से जो बात करते हैं और पूछते हैं कि भी कहां से आयो? क्या करने आयो? किस लिए आयो कहा आयो कि पास में कोई प्रॉब्लम हुई है किस लिए आयो रिलैक्स कराने आयो तंग करने आयो तो रिलैक्स तो मैं हुन होना नहीं भावे जो मर्जी हो जाए तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अब ये सारी जो है असल तकलीफ की है किसने तेन तंग किया है ये क्रेविंग से पूछना है कि देखो असली तकलीफ क्या है भाई उस थॉट से पूछना है कि असली तकलीफ क्या है किस चीज ने तुझे तंग किया है किस चीज ने तेरा चैन चुराया है अगर ये टेक्निक्स हम अप्लाई कर लेंगे और सीख लेंगे तो फिर लाइफ मैनेजेबल हो सकती है लेकिन इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी हमें कुछ वाइटल बिहेवियर्स करने हैं वाइटल बिहेवियर वो होते हैं कि आपने एक बिहेवियर किया उससे अनेक फायदे हो गए आपने कोई एक काम ऐसा किया जिससे बहुत सारे आपको फायदे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल बता दो सिंपल हम रोज करते हैं हम रोज करते हैं वो काम आपको रोज हम कहते हैं वो करने के लिए कोई एक हाँ जी सॉरी <laughs> ये कौन बोला है रूपल जी आप बोले कौन बोले वेरी गुड वेरी गुड वहां भी मैंने आना था पहले मैं सिंपल एग्जांपल पूछ रही थी आपने तो आंसर ही दे दिया पहले आपने तो वो पर्ची वाली निकाल दी है वाइटल बिहेवियर होते हैं एक बिहेवियर करने से जिससे अनेक फायदे होते हैं उसका सबसे बेसिक एग्जांपल है वॉक वॉक करने से फिजिकली भी ठीक रहते हैं भार भी कम होता है हेल्थ भी अच्छी रहती है और साइकोलॉजिकली भी ठीक रहते हैं इट इज रिकमेंडेड ऑल ओवर उजेंड स्टेप करने से हमारे हैप्पी हार्मोन्स ब्रेन में सिक्रीट होते हैं तो वॉक एक ऐसा वाइटल बिहेवियर है जिससे हम फिजिकली भी ठीक हैं और साइकोलॉजिकली भी ठीक हैं ऐसे ही एक वाइटल बिहेवियर जो हमने सीखना है सबने जो कि बड़ा ही मुश्किल लगता है बहुत ही औखा लग रहा है फॉलो अप फॉलो अप एक हमारा वाइटल बिहेवियर है अगर आप अपनी टीम अपने थेरेपिस्ट के साथ कनेक्टेड हैं तो फिर आपकी लाइफ मैनेजेबल है सब तो पहले कनेक्शन टूट जाएंगे वाई देयर इज नीड ऑफ फॉलो अप अगर फॉलो अपस लगाते रहेंगे मुझे नहीं पता आप यहाँ हो आप बाहर चले जाते हो आपका घर यहाँ से पांच घंटे की दूरी पे है कुछ लोग अब्रॉड भी रहते हैं लेकिन ये अगर आप कनेक्टेड है ना और अपने फॉलो को रेगुलर रखते हैं हमारे एक सर फॉलो अप के लिए आए हैं सर कितनी देर बाद आये हो सर आए हैं फॉलो अपर से आए हैं सिर्फ फॉलो अप करने अभी हमारे एक लव्ड वन गए थे उनकी बहन की शादी थी वो टिकट बुक करा रहे हैं वापस आने के लिए सो यू हैव हैव टू दैट लव विद रिकवरी वो तभी आएगा जब हम कनेक्टेड रहेंगे ठीक है थैंक यू